Good morning, my dear students. Let's thank God for whatever He has given to us. So, let's recite the prayer. देवेंद्र प्रताप ने इस चैप्टर को लिखा है और इसकी स्टोरी क्या थी कि इसमें जो नरेटर है वो अपने कजन ब्रदर्स के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है अपनी हॉलीडेज में, ठीक है। और वहां पर वो दोनों यानी ग्रैनी और ग्रैंडपा उनका बहुत ध्यान रखते हैं। ग्रैनी जिसे वो लोग बड़ी मम्मी कहते हैं वो इलिटरेट है यानी कि पढ़ लिख नहीं पाती, लेकिन फिर भी सभी कामों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और सभी का बहुत ध्यान रखती हैं, ठीक है। और जो ग्रैंडपा हैं वो डॉक्टर हैं इसलिए वो हमारी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा नरेटर ने बताया। वो उन्हें कहाँ लेकर जाते थे, वॉक्स पर लेकर जाते थे और उन्हें ग्रीन ग्रास पर वॉक करने के लिए कहते थे और बहुत प्राउड फील करते थे सभी को ये बताते हुए कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो अपने पेरेंट्स के बिना इतना टाइम हमारे पास रहकर जाते हैं और इस खुली हवा में उनके जो फेस हैं वो ग्लो करने लग जाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, कहते थे ना वो। और ग्रैनी जो थी वो उनका खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी, उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाती थी। और जब उनके जाने का टाइम पास आता था तो क्या होता था, बार्बर को बुला के सबकी कटिंग की जाती थी, करवाते थे ग्रैंडपा। वो कितने बच्चे थे, 7 एंड ऑल 7 वर बॉयज, सभी बॉयज थे, उन सबकी कटिंग होती थी और टेलर को बुलाया जाता था और उन सबके कपड़े सिलवाए जाते थे। ये तो ग्रैंडपा करते थे। और ग्रैनी क्या करती थी, उनके लिए चिप्स बनाती थी, कुकीज बनाती थी, उनको भेज के सारा सामान भेज के मार्केट से कुकीज बनवाती थी, है ना। और फिर दोनों उन सभी बच्चों को अपनी व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी में छोड़ कर आते थे और फिर स्टेशन से उन्हें कौन पिक करता था, नरेटर के फादर पिक करते थे और बाकी सभी बच्चों को उनके घर छोड़ना नरेटर के फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब क्योंकि नरेटर सबसे छोटा था तो उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता था, है ना। फिर नरेटर ने क्या किया, वो अपने मेडिकल की तैयारी की और वो एक डॉक्टर बन गया। और उसने क्या लाइन चूज की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने की लाइन चूज की। और क्या डिसाइड किया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने के बाद वो अपना हॉस्पिटल कहाँ खोलेगा, सरवनपुर में, कहाँ, जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। और ग्रैंडपा ने बहुत प्राउड फील किया कि अब सरवनपुर के पास अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, है ना। और ग्रैनी क्या कहती थी कि मैं हॉस्पिटल में आऊंगी और छोटे बच्चों को स्टोरीज और भजन सुनाऊंगी। रिमेम्बर, ध्यान आ गया ना आपको ये कौन सी स्टोरी थी। चलिए, हमने लास्ट अपने वीडियो में चूज द राइट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स को अटेम्प्ट करना सीखा था ना, आज हम और चीजें सीखेंगे कि हम उन्हें पेपर में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now this is question number 4. Answer the following questions. आपको question answer दिए जाते हैं, उस पर
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 हाउ डिड ग्रैनी रीच पीपल विद हर हीलिंग टच। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया है कि हाउ कैसे ग्रैनी रीच पीपल लोगों तक पहुंचती थी अपने हीलिंग टच से। देन कम्स सेकंड पार्ट रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ओ बाहुजी इट्स योर लव दैट ब्रिंग देम हियर। हु सेज दिस एंड टू हूम। नाउ सी चिल्ड्रन हाउ विल यू राइट द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। लेट अस क्वेश्चन नंबर 4 यू विल राइट आंसर 4 एंड द फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर फर्स्ट एंड द आंसर इज ग्रैनी टोल्ड द पेशेंट्स स्टोरीज एंड sang bhajans and other devotional songs to them. Okay? Then comes second part. Answer of second part is the stranger said this line to grandma. ठीक है? आपने इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है आंसर करके। वो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में आपने आंसर का फॉलोइंग क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपका आंसर 4 फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। नाउ वी विल रिवाइज लेसन नंबर 15 ऑफ ग्रामर इन विच वी विल स्टडी नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड्स। यू नो व्हाट आर इन्फिनिटिव्स? Infinitives are those 9 non-finite verbs which do not change according to the person or noun and are framed by adding 2 to the base form of the verb. Verb ki base form yani first form ke saath 2 add karke infinitives bante hai aur ye person, noun ya pronoun kisi ke bhi according change nahi hota. Okay, now see the exercise. Choose and write the correct infinitive. आपको help box दिया है, इसमें आपको infinitives दिए गए हैं, to tour, to close, to complete. 3 options दी गई हैं, नीचे आपको 2 sentences दिए गए हैं, जिनमें आपको choose करके correct infinitive को fill करना है और sentence complete करना है. Javed has dashed the entire history project by this weekend. तो इसका आंसर क्या होगा? Javed has to complete. ठीक है? तो ये हमारी क्या है? Complete base form के साथ two add करके यहाँ पर infinitive बनाया गया है, जो इस sentence को complete करता है. Javed has to complete, यानी Javed को ये complete करना है history project. By this weekend. तो हमारा आंसर 5. अब हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे आंसर 5. ये हमारा क्वेश्चन 5 है. आंसर 5 पार्ट 1. ओके? और इसमें हमने क्या ऑप्शन फिल की है? 2 कंप्लीट. हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2 कंप्लीट. Okay, now second, the heat wave forced the school dash for a month. Heat wave, गर्मी ने स्कूल को फोर्स किया 1 month के लिए, क्या करने के लिए? To close, बंद करने के लिए. तो हमारा इसका क्या रहेगा? Second part है ये हमारे question 5 का second part. तो यहाँ पर हमने लिखा second part और इसका आंसर क्या है? To close. ठीक है? Now is gerund. Gerund are those non-finite verbs which are formed by adding ing to the base form of the verb. And similarly, they do not change according to the person or noun or pronoun. And they act as a subject, as an object or complementary in the sentence. अब हम इसकी exercise करेंगे. Choose and write the correct gerund.
the clue box. We will go home after dash coffee. अब इनमें से क्या आएगा? Drinking. तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Answer 6. अब ये क्वेश्चन 6 है, तो answer 6 part 1. और इसका आंसर क्या है? Drinking. तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? Drinking. Okay? Second, the police find him for. पुलिस ने उसको किस चीज के लिए फाइंड किया? Drinking, speeding या washing? Yes, speeding. तो second answer हमारा क्या रहेगा? Speeding. I hope I am clear to all of you. In this way, we will attempt the questions given in this form in your assessment. आपको जो आपके असेसमेंट में इस तरह से कोई क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आप उनको इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे. Now we will revise lesson number 18 of grammar, synonyms and antonyms. What are synonyms? Synonyms are the same meaning of a given word. कोई भी जो वर्ड होता है, उसका जब हम सेम मीनिंग देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? Synonym कहते हैं. Okay? For example, beautiful. Beautiful means बहुत सुंदर. और उसको हम एक और तरह से क्या कह सकते हैं? Pretty. वो भी उसका मतलब होता है बहुत सुंदर. तो ये क्या होते हैं? Synonyms होते हैं. जिस तरह से हमें किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती है, उसी तरह से इफ वी वॉन्ट टू सर्च अ सिनोनिम ऑफ अ वर्ड, हमें क्या सर्च करना पड़ता है? थिसॉरस. वहां पर किसी भी वर्ड का सिनोनिम हम इजीली ढूंढ सकते हैं. सो हेयर इज द एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम. राइट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स. इन वर्ड्स के आपको सिनोनिम लिखने हैं. स्टार विद लाउड. सो हाउ विल यू राइट आंसर इन योर असेसमेंट? आंसर 7 पार्ट 1. स्टारविंग. स्टारविंग मीन्स भूख लगना, भूखा होना. एंड द सिनोनिम ऑफ इट विल बी हंग्री. ओके. सेकेंड इज लाउडली. बहुत शोर करना, बहुत तेज आवाज होना. एंड सिनोनिम मीन्स नॉइजी. इसका भी क्या मतलब है? बहुत तेज शोर होना. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सिनोनिम. नाउ इज एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ अ वर्ड. जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, उसका अपोजिट मीनिंग, जो आप बहुत छोटे ही क्लास से सीखते आ रहे हैं, डे नाइट, वाइट, ब्लैक, ये सब क्या है? आप इनको क्या करते आए हैं? अपोजिट वर्ड से. अपोजिट को हमें क्या बोल देते हैं? एंटोनिम बोल देते हैं. यानी अपोजिट और एंटोनिम क्या है? सिनोनिम्स हैं. ठीक है. और हम क्या करेंगे यहाँ पर? एंटोनिम्स सीखेंगे. राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. डिस्ट्रॉयड, फॉल. तो आप इसको कैसे करेंगे? आंसर 8 फर्स्ट पार्ट. डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड मीन्स खत्म कर देना किसी चीज को. और इसका एंटोनिम क्या होगा? मेन. बनाना किसी चीज को. ओके. सेकेंड इज फॉल. फॉल मीन्स गिरना. और इसका एंटोनिम क्या होगा? राइज, उठना. ओके. सो दिस इज द वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ एंटोनिम्स इन योर असेसमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, यू विल रिवाइज दीज चैप्टर्स एंड प्रिपेयर फॉर योर असेसमेंट. गुड लक माय डियर चिल्ड्रन. Thank you.